नमस्कार मित्रों, मैं वास्तु एवं ज्योतिष सलाहकार आशीष कुमार मालतन अपने चैनल उपाय ज्योतिष पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको वास्तु के बारे में, ज्योतिष के बारे में, समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताता रहूंगा। वो उपाय बहुत ही साधारण होंगे, ऐसे होंगे जो आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की, वास्तु दोषों की। अगर आपके भवन में उत्तर दिशा में रसोई घर अर्थात किचन है तो क्या होता है और उनके क्या उपाय होंगे। सबसे पहले किचन में क्या क्या दोष हैं, किचन के कारण होने वाले दोषों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके भवन के, आपके घर के उत्तर दिशा में रसोई घर है, किचन है, तो महिलाओं को कष्ट रहेगा। घर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी, धन की आमद कम रहेगी, घर में कलह का वातावरण रहेगा। करना क्या होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके पहले एक बात आपसे कहूंगा, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार हर प्रकार के उपाय मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, हम बात कर रहे थे उत्तर दिशा के किचन की। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर दिशा में किचन है तो विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, क्या क्या कष्ट आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं उपायों के बारे में बात करता हूं। बहुत ध्यान से मित्रों सुनिएगा, बहुत आसान उपाय हैं और इनको करने से आप लाभान्वित होंगे, आपके जीवन में आसानी आएगी और घर के वास्तु दोष, किचन के वास्तु दोष कम होंगे। सबसे पहले आप एक रसोई घर में, आपके किचन में अगर गैस स्टोव, गैस का चूल्हा किसी अन्य दिशा में है, पूर्व दिशा में नहीं है, तो उसको पूर्व दिशा में स्थापित करें, रसोई घर के पूर्व दिशा में स्थापित करें। और गैस स्टोव के नीचे जमीन पे पीतल के या तांबे के किसी भी लोटे में जल भरकर रखें और उस जल को नित्य बदल दिया करें। खाना बनाने के पहले, गैस ऑन करने के पहले, प्रातःकाल जब भी पहले, सबसे पहले सुबह उठ के जब गृहिणी महिलाएं गैस का प्रयोग करती हैं तो गैस साफ करने के पहले एक लोटा जल भरकर जमीन पर रख दिया, इससे दोष में कमी आएगी। गैस स्टोव के ठीक ऊपर काफी ऊंचाई पे, जहां पे खाना बनाते समय छींटे ना आए, जो छौंका जाता है और बनाया जाता है उसके छींटे भाप ऊपर ना पहुंचे, गैस स्टोव से कम 4 फीट ऊपर एक 9 अंगुल का स्वास्तिक, 9 अंगुल का स्वास्तिक देशी घी, पीले सिंदूर और थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें उससे दीवार में बना दीजिए और धूप दीप देकर उसकी पूजन कर दीजिए और उसकी पूजा समय समय पे पूर्णिमा को, एकादशी को, अष्टमी को, पंचमी को करते रहिए। दूसरा काम मित्रों ये करना है आपको, एक सिद्ध वास्तु बुद्ध यंत्र, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक सिद्ध वास्तु बुद्ध यंत्र की स्थापना रसोई घर के उत्तरी दीवार पर करें और इसकी भी स्थापना करने के बाद धूप दीप से पूजन कर दीजिएगा। यह सिद्ध वास्तु बुद्ध यंत्र वहां प्रतिष्ठित होना चाहिए और अभिमंत्रित होना चाहिए, इससे आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा।
इसके बाद आपको एक 0 वाट का लाल बल्ब, 1 0 वाट का लाल बल्ब भवन के, किचन के नहीं, भवन के दक्षिणी पूर्वी कोने मतलब आग्नेय कोण में लगाना है, और यह बल्ब लगातार 24 घंटे चलता रहेगा, ये बुझेगा नहीं। मैं तो ये कहूंगा इसमें आप ऑन ऑफ वाला स्विच ही मत लगाइए, जब तक लाइट आएगी तब तक बल्ब जलेगा। और अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से भी कनेक्शन करा दीजिएगा, जिससे लगातार बल्ब जलता रहे। इतना करने से आपको काफी राहत मिलेगी, काफी आराम मिलेगा, वास्तु दोषों में काफी कमी आएगी। इसी प्रकार के अन्य उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे चैनल उपाय ज्योतिष को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे उपाय थोड़े भिन्न प्रकार के हैं, अलग से हैं, जिनको करने से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।